सोलर कंसंट्रेटर्स। जी हाँ दोस्तों, सोलर कंसंट्रेटर्स आपने इसके बारे में सुना तो होगा। ये भी एक सोलर प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये भी एक सोलर थर्मल का एक प्रोडक्ट है। बेसिकली इस सिस्टम से स्टीम जनरेट किया जाता है। अब स्टीम जनरेट करने के बाद इसके अलग अलग एप्लीकेशन है। स्टीम आप अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा होगा सोलर कुकिंग में। जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने तिरुपति और माउंट आबू में दर्शन तो किए होंगे और वहाँ पे खाना खाया होगा। वहाँ पे जितना भी खाना बनता है वो बनता है इन्हीं सोलर कंसंट्रेटर्स की मदद से, या कम्युनिटी सोलर कुकिंग, जैसा आप समझें। अब ये सिस्टम कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे चलता है, कितनी कीमत होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ इस वीडियो में दीपक गदिया सर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपक गदिया सर, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक बताए, शिरडी, माउंट आबू और तिरुपति, और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी टाइप सोलर कुकिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, चलता कैसे है। हाँ दोस्तों, ये सीरीज थोड़ा सा लंबा है तो अलग अलग दो तीन वीडियोस रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारा सीरीज देखें, अंत तक देखें, और जैसा कि हमने हर वीडियो की शुरुआत में बोला है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, कैसे जीतना है, कहाँ आंसर देना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। दीपक गदिया सर, पहली बात तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों के लिए अपना नॉलेज शेयर करने आए और हमें ये सोलर कंसंट्रेटर्स के बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू अजीत जी, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज सोलर पैशन पे हमारा जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, अरे मैं मजाक भी नहीं कहा, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, कि आपका ये जो प्रयास है, आई कॉल इट द ओया एंड ओलो। जैसे ओया के पास में कोई होटल नहीं है, मगर इतने होटल उन्होंने एग्रीगेट किया हुआ है। ओला के पास में अपनी एक खुद की टैक्सी नहीं है, वो टैक्सी। इसी तरह आप अलग अलग एक्सपर्ट के पास में जाकर उनकी नॉलेज एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, वो बड़ी खुशी की बात है। देश के लिए और दुनिया के लिए इसका बड़ा महत्व है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दीपक सर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो भी सोलर इंडस्ट्री में है वो इनको तो जानता ही होगा। तो दीपक सर, पहले अपना स्टार्टिंग से लेकर जर्नी बताएंगे, ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा, फिर ये एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बताएंगे सर, हमारे दर्शकों को ज़रा अच्छा रहेगा। जरूर, श्योर। पहले तो मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा कि मैं काफी फास्ट बोलता हूँ तो आपको समझने में काफी दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आहिस्ता बोलूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या कम प्रॉब्लम हो। पहले तो ये बता दूं कि सोलर मेरे लिए पैशन का सब्जेक्ट है, प्रोफेशन नहीं है। और आपको ताज्जुब भी होगी कि आपको पता चलेगा जब आपको कहूंगा कि मैं एक्चुअली सोलर इंजीनियर हूं ही नहीं, मैं हूं एक्चुअली प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियर। मैंने जर्मनी में ये पढ़ाई की हुई थी और बाई चांस हम इंडिया वापस लौटे और हम चाहते थे कि हम पर्यावरण के बारे में कुछ करें। हमने हमारे एक एनजीओ फॉर्म की हुई थी जिसका नाम था इको सेंटर इकनीर, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर नेटवर्किंग, इकोलॉजी, एजुकेशन एंड रीइंटीग्रेशन। मेरी वाइफ डॉक्टर शीन गढ़िया थी, वो उनकी प्रेसिडेंट थी, मैं सेक्रेटरी था। और जब हमने पर्यावरण के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो सबसे पहली दिक्कत हमने यही देखी कि डिफॉरेस्टेशन, हमारे काफ़ी जंगलों कट रहे हैं और जंगल कटने से हमें सभी पता है कि बारिश कम होती है, काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमने सोचा कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कैसे कम किया जाए, और पता चला कि बहुत सी लकड़ी कट रही है खाना पकाने के लिए। और जब हमने थोड़े स्टैटिस्टिक्स पढ़े तो हम काफ़ी ताज्जुब हो गए कि जब सुना कि जब हम लोग आए 1985 में, तभी भी 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और सिर्फ इंडियन नहीं वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्चुअली कह सकता हूँ, लकड़ी से खाना पका रहा है। और अभी इतने साल बीतने के बाद में भी करीब 30-35 साल बीत गए, अभी भी उतने ही परसेंट लोग लकड़ी से खाना पका रहे हैं। तो जब हमने देखा कि एक लकड़ा काटना और जंगल कटने के लिए खाना पकाना एक बड़ा एक कॉज है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो पहले हमने सोचा कि शायद लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी है जिससे आप विदाउट कटिंग वुड, लकड़े के बगैर भी आप खाना पका सकते हैं। तो हमने सोलर बॉक्स कुकर का प्रमोशन करना शुरू किया। आपने अजय चंदक जी की सीरियल में देखा हुआ है, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह अलग अलग टाइप के डोमेस्टिक कुकर बताए थे, जिसमें बॉक्स कुकर एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप कोई भी लकड़ा जलाए बगैर, धुएं कर किया बगैर अच्छा खाना पका सकते हैं।
आप उसमें बॉईल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि लोगों को पता नहीं है, तो हमने जाके बॉक्स कुकर प्रमोट करना शुरू किए। तो लोगों ने हमको बताया कि दीपक जी, हमें सोलर बॉक्स कुकर के बारे में पता है, हमारे पास में है भी, मगर हम उसका हर रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्लो है, और उसमें हम फ्राई नहीं, तड़का नहीं लगा सकते हैं, उसमें हम चपाती नहीं बना सकते हैं। तो एज ए साइंटिस्ट हमें ख्याल आया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जहाँ पे आप जल्दी से खाना पका सको, आप फ्राई कर सको और हर आइटम बना सको। तो हमने दुनिया में थोड़ी खोज की और पता चला कि एक SK-14 नाम का जो पैराबोलिक कुकर जो अजय चंद्र ने बताया, जो है जर्मनी में डॉक्टर हाइफर्ट ने ये बनाया था, तो हम उनकी टेक्नोलॉजी जर्मनी से इंडिया में लेकर आए और ये कुकर हमने बनाना शुरू किया। और जब हमने शुरुआत की तो काफ़ी लोगों को खुशी हुई कि एक ऐसी कुकर है जहाँ पे आप फ्राई कर सकते हो, प्रेशर कुकर रख दो तो आधे घंटे में वो सीटी भी मार देती है। मगर टेक्नोलॉजी तो सक्सेसफुल रही, मगर प्रॉब्लम हुआ अफोर्डेबिलिटी का। जिनको ये सोलर कुकर चाहिए थे, जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए ये कुकर काफ़ी महंगा था। ये कुकर जो हमने SK-14 जब लाए हैं तो उसकी कीमत करीब 5,500 रुपया थी, और बॉक्स कुकर की कीमत करीब 1,200 रुपया थी, और उसमें करीब 750 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। तो प्रॉब्लम ये देखा कि जिनको ये कुकर चाहिए था उनको वो परवड़ता नहीं था, और जिनको वो परवड़ता था, जो उनको ले सकते थे, जैसे मिडिल क्लास और अमीर, वो कहते थे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर में LPG गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। सो हमें ख्याल आया कि टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट ओनली टू बी फंक्शनल बट इट इज़ ऑल्सो टू बी अफोर्डेबल। तो हमने पहले जो मिडिल क्लास हमारे फ्रेंड्स थे उनको कहा कि भाई आप सोलर कुकर क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आप एक रोल मॉडल बनेंगे गरीबों के लिए, बिकॉज हर गरीब जो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड होता है मिडिल क्लास का, रिच का, वो चाहता है। तो अगर आप करेंगे तो एक रोल मॉडल बनेंगे गरीबों के लिए लेने के लिए। तो एक मिडिल क्लास लेडी ने हंसते हंसते कहा कि दीपक जी, आप टिपिकल पुरुष हैं, आप सब मर्दों एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और हमारे लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लाए हैं जहाँ में हम लेडीज़ को धूप में जाना पड़े। मैं क्यों धूप में जाऊँ, मुझे क्यों हक नहीं है कि मैं अपने किचन में बैठ के कम्फर्टेबल किचन में खाना पका सकूँ। एंड वी रियलाइज की उसकी बात सही है कि वाई शुड द टेक्नोलॉजी नॉट बी यूजर फ्रेंडली ऑल्सो फॉर लेडीज़। तो हमने वापस जर्मनी में जाके डॉक्टर हाइफर्ट से बातें की, और पता चला कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको कहते हैं शेफलर कॉन्सेंट्रेटर, जो वोल्फगांग शेफलर करके जर्मनी के ऑस्ट्रियन है मगर जर्मनी में रहते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने डेवलप किया था, जहाँ पे आप एक डिश को बाहर रखते हैं और नॉर्थ फेसिंग वॉल के अंदर आप छोटा होल करते हैं, उसके थ्रू लाइट किचन में आती है, और उसके बर्तन के नीचे एक दूसरा रिफ्लेक्टर होता है जिसको हम सेकेंडरी रिफ्लेक्टर कहते हैं, और वो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर लाइट को कुकिंग वॉसर के बॉटम पर रिफ्लेक्ट करता है, और इस तरह आप किचन में बैठ के खाना पका सकते हैं। तो हम वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आए, बनाना शुरू किया। तो वापस वही प्रॉब्लम जो पहले मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी तो चल गई, नाउ द लेडी कैन कुक इन द कम्फर्ट ऑफ द किचन, बट जब उनको हमने उसकी कॉस्टिंग निकाल के कहा कि ये कुकर की कीमत 70,000 रुपीज़ होगी, तो उन्होंने कहा हमें कम्फर्ट तो चाहिए बट नॉट एट दिस प्राइस, ये तो बहुत महंगा है। तो वही हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि टेक्नोलॉजी भी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हाउ टू मेक इट अफोर्डेबल, एंड वी कुड नॉट रिड्यूस द कॉस्ट। अगर कॉस्ट कम करने जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पहले तो एक डिश थी, अभी दो डिश है। अभी जो शेफलर डिश के अंदर हमें घड़ी भी लगानी पड़ती है ताकि वो जैसे सूरज घूमेगा उस तरह डिश भी घूमेगी, जैसे सनफ्लावर घूमता है, तो उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो कॉस्ट तो बढ़नी ही थी, और फिर हमें ख्याल आया कि ये डोमेस्टिक कुकिंग के लिए नहीं मगर कम्युनिटी कुकिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे आपको 50 लोगों के लिए 100 लोगों के खाना पकाना है। तो हमने ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिश को बड़ी कर ली, और 7.5 स्क्वायर मीटर की पहले जो हमने डिश बनाई थी वो थी जिसमें आप 50 लोगों का खाना पका सकते थे। एंड हमने उनको ये किचन को देने शुरू की, ये मिड डे मील प्रोग्राम है जहाँ पे 50-100 बच्चों के लिए खाना पकाना था। फिर हमने डिश की साइज़ बढ़ा के 10 स्क्वायर मीटर की जहाँ पे करीब आप 70 लोगों का खाना पका सकते हो, और अभी जो है डिश आती है शेफलर की वो 16 स्क्वायर मीटर की होती है जहाँ एक डिश से आप करीब 100 बच्चों के लिए खाना पका सकते हैं। तो इसी तरह शेफलर कॉन्सेंट्रेटर स्टार वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल एज अ कम्युनिटी सोलर कुकर, जहाँ पे आपको 50, 100, 200 के लिए खाना पकाना काफ़ी अच्छा चल रहा था। और 1993-94 में ब्रह्मा कुमारी, जो माउंट आबू में एक बड़ी संस्था है, योगा सिखाते हैं, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा कि हमें 1200 लोगों का खाना पकाना है। तो हमने कहा ठीक है, आप 12 डिश ले लीजिए और आप उनसे 1200 लोगों का खाना पका सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि दीपक जी प्रॉब्लम यह है कि 12 डिश होगी तो हमें कम से कम 6 आदमी चाहिए, क्योंकि एक आदमी 2 डिश संभाल सकता है, और हमें 12 कुकिंग प्लेस होगी तो 12 बर्तन चाहिए, और आपको चाहिए कि हमारा किचन नॉर्थ फेसिंग हो ताकि लाइट किचन के अंदर आए, हमारा किचन नॉर्थ फेसिंग है नहीं, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते कि आप डिश को टेरेस पे लगाइए और आप यहाँ पे जब आप साइड से लाइट लाते हैं उसकी वजह से आप सोलर लाइट ऊपर से नीचे लाइए। अब ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि धूप तो सूरज तो जो डायरेक्शन में जाता है वही डायरेक्शन में जाएगा, मगर हमने सोचा कि क्यों ना ये टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लें, क्योंकि हम जहाँ पे अब ये पहले क्या करते थे शेफलर में कि हम लाइट को किचन में लाते थे और उसकी प्रकाश बर्तन के बॉटम पे लाके जो हाई टेम्परेचर होता था कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज या पेपर जला सकते हैं, इसी तरह ये सेम प्रिंसिपल है कि बड़ा लाइट का रिफ्लेक्टर है उसकी सब लाइट को आप एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर करीब 550 डिग्री हो जाता है, उसकी वजह से खाना पकता है। तो हमने सोचा कि अभी लाइट लाने की वजह हम क्यों ना हीट को लेकर आए, और इसी तरह 1994 में हमने ब्रह्मा कुमारी में 1200 लोगों के लिए पहले सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम लगाई, जहाँ पे हमने 24 डिश टेरेस में लगाई और लाइट को हमने एक जिसे बाद में हम आप देखेंगे जहाँ पे सिस्टम पे जाके दिखाएंगे कि 2 डिश होती है तो 2 डिश लाइट को रिफ्लेक्ट करती है एक पानी की टाँकी पे जो फोकस में होती है, और दोनों की तरफ से प्रकाश कॉन्सेंट होने से वहाँ पे टेम्परेचर करीब 550 डिग्री होता है, और जो हम उसको रिसीवर कहते हैं जो विच इज रिसीविंग ऑल द लाइट, किसको कुछ लोग उनको हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, तो पानी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीम हो जाता है, वराल हो जाता है, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर स्टीम, और फिर हम स्टीम को पाइप इंसुलेटेड पाइप के द्वारा किचन में लाते थे, और फिर किचन में ऐसे बर्तन थे जहाँ पे आप स्टीम से खाना पका सको, आपको दाल चावल पकाने हैं तो डायरेक्टली स्टीम आपके बर्तन के आ जाएगी और पानी उबलने लगेगा और खाना हो जाएगा, और अगर जहाँ पे आपको सूप है चाय बनानी है दूध करना है तो आप नहीं चाहते कि स्टीम डायरेक्टली कुकिंग वेसल के अंदर आए, क्योंकि स्टीम कंडेंस होकर पानी हो जाती है तो डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा, तो डबल जैकेटेड वेसल्स होते हैं जहाँ पे स्टीम बाहर के जैकेट में चलती है और हीट को अंदर भेजती है और आप खाना पका सकते हैं, दाल चावल अपना दूध कुछ इसमें खाना पका सकते हैं। तो इसी तरह दुनिया की सबसे पहली सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम इंडिया ब्रह्म कुमार में लगी और बहुत सक्सेसफुल हुई, उसकी काफ़ी तारीफ हुई, और फिर गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट दिया, कहा कि आप ये इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कुकिंग, तो पहले जो हम इंडिविजुअल कुकिंग कहते थे उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक कुकिंग, फिर आती है कम्युनिटी कुकिंग, यहाँ पे आप 50, 100, 200 लोगों के लिए खाना पका सकते हैं भाई डायरेक्टली, जो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट कुकिंग, और ये थर्ड कुकिंग सिस्टम यानी जो मास कुकिंग के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए हो उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कुकिंग, वेयर यू प्रोड्यूस हीट विद द स्टीम विद द हीट ऑफ द सन एंड स्टीम इज कुकिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और आपने शिरडी में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कुकर लगाया है जो हमने 2009 में लगाया था, जहाँ पे हम हर रोज 50,000 लोगों के लिए सोलर खाना पका सकते हैं, वहाँ पे टेरेस में 73 डिश लगी हुई हैं ईच डिश ऑफ 16 स्क्वायर मीटर, और हम दिन में करीब 3.5 से 4 टन स्टीम बनाते हैं और उनसे उनका खाना पकता है। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कि जब हमने शुरू किया तो वी स्टार्टेड एज अ डोमेस्टिक कुकिंग, देन वी केम टू कम्युनिटी कुकिंग एंड देन वी वेंट टू स्टीम कुकिंग सिस्टम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी हमने बताया दिखाया समझाया वो आपको समझ आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पे सोलर से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन और एनर्जी एक्सपर्ट्स को लाने वाले हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन है शिरडी में जो सिस्टम लगा हुआ है वो कितने लोगों के लिए लगा हुआ है, यानी कि कितने लोगों का खाना बना सकता है और उसमें कितने कंसंट्रेटर्स लगे हुए हैं, यही आपको हमें बताना है। अब यह आंसर कहाँ देना है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है info@solarismepassion.in। हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों दीपक सर से और भी कई चीज़ें सीखनी बाकी हैं, तो मिलते हैं उनसे ही एक नए वीडियो में और उनसे और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।